हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, फाइनली काम पे आ गए हैं और आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूं मैं। एंड ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, थोड़ा सा विंटर वियर कलेक्शन है इसमें, थोड़ा सा आपको ज्वेलरी का कलेक्शन मिल जाएगा बिकॉज दोनों ही सीज़न चल रहे हैं हमारे। वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है एंड हमारा विंटर सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तो ठंड हो चुकी है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब आप अच्छे से ठंड पड़ने वाली है। और दिवाली आप लोगों की कैसी रही ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। तो आइए जल्दी से हॉल स्टार्ट करते हैं। तो आज की हॉल वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। तो ज्वेलरी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको विंटर वियर दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं कि विंटर वियर कलेक्शन दिखाइएगा। तो फाइनली मैं फुलफिल कर रही हूँ, धीरे 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 मैं आगे और भी वीडियोस दिखाऊंगी विंटर वियर कलेक्शन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बुलबुल टीवी ऐप सुना ही होगा और इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियोज़ की हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है बुलबुल का एंड बुलबुल टीवी पर आप लाइव वीडियोज़ देख सकते हो, जिसके थ्रू आपको एक्चुअल पता चल जाता है कि कैसा है मटेरियल, कैसा दिखेगा पहनने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो दिखाई जाती हैं वो लाइव वीडियोस दिखाई जाती हैं एंड ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर या फिर कॉमन पीपल ही होते हैं उस पर वीडियोस में। तो आपको एक एक्चुअल इमेज पता चल जाती है कि कैसा रिसीव होगा आपको प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार होता है कि इमेज में आपको कुछ और दिख रहा होता है बट विजुअल में कुछ और होता है, तो यहाँ पर आपको विजुअल भी देखने को मिलता है। तो यही इस ऐप का सबसे बेस्ट पार्ट है, तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। और ये जो सारे लिंक्स हैं प्रोडक्ट्स के, वो आपको एक ही लिंक में नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड मैं बुलबुल को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने दिवाली के गेस्चर में हमें एक बहुत ही अच्छा एक शोपीस होम डेकोर आइटम दिया, जो बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ जो उन्होंने स्लोगन का कार्ड भी दिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई हाईली अप्रिशिएट कि उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया, बिकॉज ये जेस्चर जो छोटे छोटे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बुलबुल टीवी ऐप, एंड आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, उसके लिए सो मच थैंक यू। ये देखें, ये है जैकेट नंबर 1 एंड ये मैंने सभी खोल के देख ली हैं, पहन के देख ली हैं। ये है एवरग्रीन ब्लैक कलर, जो बहुत ही सुंदर लगता है एंड हर स्किन टोन पे बड़े ही अच्छे से जाता है। तो ये है लेदर की और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी फाइन लग रही है, यहाँ पे आप देखेंगे फाइन क्वालिटी है, सॉफ्ट लेदर है। ऐसा नहीं है कि कई बार होता ना बहुत ही स्टिफ होती है तो पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आप आराम से इसको वियर कर सकते हैं। आज मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, ये प्योर लेदर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का फिर ये क्वेश्चन होगा कि प्योर लेदर होगी, प्योर लेदर हमें नहीं पहननी चाहिए, तो इतने पैसे में आपको प्योर लेदर नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली काफ़ी हायर कॉस्ट पे चली जाती है प्योर लेदर, तो इसकी जो रेंज है उस हिसाब से आर्टिफिशियल लेदर है, इट्स नॉट प्योर, बट इसकी जो लेदर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें जो मुझे एक बेस्ट पार्ट लगा है वो है कि लेदर की जो भी आती थी हमारी वेस्ट तक की जैकेट्स आती थी, लंबी जैकेट नहीं आती थी, ये आपकी फुल जैकेट है पूरी, बहुत ही सुंदर लग रही है ये एंड इसकी जो फिटिंग है बहुत ही प्रॉपर आई है, मस्त आई है एकदम, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है एंड ये मल्टीपर्पज़ है, इसको चाहे तो आप साड़ीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं बिकॉज लॉन्ग है, तो आराम से इसको ओपन करके आप साड़ीज़ के साथ भी वेयर कर सकते हैं, या फिर जिप पूरी जिप लगा के भी आप पल्लू ऊपर लेके ले लेते हैं तो वो भी उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। एंड चाहे तो आप इसको जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, तो ये आपकी मल्टीपर्पज़ है, मतलब मुझे डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, वन ऑफ माई फेवरेट हो गई ये पहनते ही, जैसे मैंने इसको पहनी तो मुझे लगा बस ये तो मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पे अंदर से आप देखेंगे तो इसका जो ये है ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, चुभने वाला नहीं है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाला है। ब्लैक कलर है तो ये आपके हर एक कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही परफेक्टली फिट होने वाला है। देन यहाँ पे आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगी, ये पॉकेट्स हैं, और नीचे भी आपको यहाँ पर जिप वाला बटन मिल जाएगा कि चाहे तो आप इसको ओपन करके पहन सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्लोज करके पहन सकते हैं। हल्का सा स्लीट दिया गया है, जिप स्लीट, ये आप देखेंगे फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है, एकदम बॉडी टकिंग वाली आई है, जो बिल्कुल बढ़िया लग रही है बिकॉज ऐसी फिटिंग्स मिलती नहीं है। एंड इसका साइज़ जो मैंने मंगाया है वो है एक्सेल, एक्सेल बिल्कुल परफेक्ट आया है मेरे को और काफ़ी अच्छी लगी है ये, तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ कि हाँ आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये वाली, एंड ये जो कलर है बहुत ही प्यारा डिफरेंट सा कलर है, मूव कलर कहते हैं ना, आई थिंक मूव होता है या फिर
मरून स्टोन पे समझ लीजिए आप, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कलर्स का ज्ञान नहीं है तो बट ये थोड़ा सा मरून स्टोन पे है एंड डिफरेंट सा कलर है, थोड़ा यूनिक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कलर पसंद आया है इसका। कि अगर आपके कुछ वार्डरोब में आप डिफरेंट सा करना चाहते हैं तो इस तरह की आप जैकेट ले सकते हैं, बिकॉज ब्लैक कॉमन है बहुत ज़्यादा, हर किसी के पास मिलेगी और एक ना एक तो होनी चाहिए, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। ये जैसे कि आपको मैंने बताया है ये शॉर्ट है, तो इस तरह की जो जैकेट है वो कोई भी पहन सकता है, टीनेजर्स के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो फुल स्लीव्स है, स्लीव्स भी अच्छे से आई हैं, यहाँ तक आई हैं, बिकॉज़ कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी आ जाती हैं तो बिल्कुल अजीब सी लगती हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, बट प्रॉपर फिटिंग आनी चाहिए तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सुंदर लग रही है, इसमें जो जिप का बटन दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, मैंडरिन नेक है, एंड देन यहाँ पे साइड में आपको जिप का पैटर्न मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिफरेंट सा पैटर्न है, साइड पॉकेट्स हैं, अंदर से आपको जो मटेरियल मिलेगा वो सिंथेटिक मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। इसका साइज़ जो है एक्सेल मुझे हल्का सा टाइट आया, स्लाइटली टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ही हल्का सा है कि अगर मैं जिप बंद करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइटनेस फील हो रही है, अदरवाइज़ ओपन करके तो आराम से आ ही जाएगी, बट अगर आपके मेरे जैसी हेल्थ है तो आप एक नंबर बड़े के लिए जाइएगा, डबल एक्सेल प्रीफर कीजिएगा, बहुत अच्छा पीस है ये भी। एंड ये भी पीस जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ चल जाएगा, चाहे तो आप इसको सूट के साथ भी वेयर कर सकते हैं, साड़ीज़ के साथ भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, शॉर्ट जैकेट्स वगैरह, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं, तो इस तरह का भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो मैंने श्रग पहना है ये अलग से श्रग है, ये कुर्ता सेट नहीं है, ये श्रग मैंने अलग से लिया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, अप्रॉक्स 280 के अराउंड लिया था। एंड ये जो कुर्ता है, कुर्ता प्लाजो है ये पूरा सेट, ये मैंने मिंत्रा कुर्ता प्लाजो सेट हॉल किया है, उसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का है, डालिया ब्रांड का है। एंड यहाँ पे जो मैंने नेकलेस पहना है ये है मीशो का, एंड देन रिंग तो मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, ये है अमेज़न की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये चीज़ें बता दीजिए, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। देन नेक्स्ट है ये, एंड अगेन ये भी है लेदर की, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए हैं मैंने आपको लेदर की जैकेट्स में, तो ताकि आपको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा लेदर का कलेक्शन है, आपको जो भी स्टाइल पसंद आ रहा है आप वो ले सकते हैं, एंड आपको सभी तरह की वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको चूज़ करने में भी आसानी होगी। ये है हल्का सा लाइट पिंक कलर का और काफ़ी सुंदर जैकेट लग रही है, इस पर थोड़ा डिफरेंट सा पैटर्न है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे इस पर हो रही है एम्ब्रॉयड्री, मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखी होगी इस तरह की एम्ब्रॉयड्री वगैरह, क्योंकि मैंने ज़्यादातर प्लेन जैकेट्स देखी हैं लेदर की, एम्ब्रॉयड्री वर्क नहीं देखा है, तो भाई मैंने तो नहीं देखा है स्पेशली, क्योंकि आप लोग काफ़ी सोच रहे हैं अरे ये तो बहुत पहले से, बट मैंने ज़्यादातर प्लेन जैकेट्स ही पहनी है लेदर की, तो ये दिस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ इस पर वर्क है बेसिकली, एंड काफ़ी अच्छा वर्क है, रेशम का वर्क है, एंड ये थोड़ा सा फंकी लुक टाइप्स है, तो जो लोग थोड़ा सा फंकी लुक पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी बटन डिटेलिंग जस्ट फॉर शो है, एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगी एम्ब्रॉयड्री, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयड्री है स्लीव्स पे, ये देखिए दो हैं यहाँ पे, दो बने हैं, एक स्लीव्स पे एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, और नीचे आपको यहाँ पे जिप वाला पैटर्न मिल जाएगा। ये बेसिकली टाइट और लूज़ करने के लिए है, तो इसका कोई ख़ास मुझे यूज़ लगता नहीं है, बट फिर भी पता नहीं है कोई ट्रेंड है इसमें, तो ये मिलता ही मिलता है। एंड साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगी, लेंथ इसकी आपकी वेस्ट लेंथ तक का है, पीछे से भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयड्री है, ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइनिंग मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी जो है वो भी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट फैब्रिक है, और अंदर आपको वही सिंथेटिक वाला ब्लैक कलर का कपड़ा मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी जैकेट्स, अब मैं आपको ज्वेलरी का दिखा देती हूँ, क्योंकि वेडिंग का भी स्टार्ट हो चुका है सीज़न। हाँ थोड़ा सा ये हो गया है कि 200 से वापस से 50 की लिमिट हो गई है, गेस्ट लिमिट, बट कोई बात नहीं, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो काफ़ी क्रूशल चल रहा है, बिकॉज अभी सारे लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, काफ़ी फैल रहा है कोविड, एंड वी हैव टू टेक मेजर्स,
तो इट्स गुड फॉर अस ओनली। एंड यहाँ पे अब मैं आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ, क्योंकि शादी तो हो ही रही है, फिर भी हमें पहनना ही है, सजना है, संवरना है, तो हम क्यों पीछे हटें, ऑनलाइन ऑप्शन तो हम पे खुले ही हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वेलरी, बहुत ही अच्छी है क्वालिटी। यहाँ पे आपको एक इस तरह से पाउच मिल जाएगा, एंड देन आपको चेन मिल जाएगी, ये देखिए चेन। तो इसमें आपको मिल जाएगा एक ब्रेसलेट जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, गोल्ड प्लेटेड है, और उसके ऊपर यहाँ पे एक नग लगा हुआ है ब्लैक कलर का, जो कि आपको मिल सकता है और डिफरेंट कलर्स में भी, रेड में है आई थिंक अवेलेबल, तो आपको चेक कर सकते हैं। एंड देन आपको ये मिल जाएगी प्यारी सी रिंग, वाह ब्यूटीफुल, मतलब इसमें पता नहीं आपको दिख पाएगी कि नहीं दिख पाएगी, बट बहुत ही प्यारी है, एंड फिटिंग बहुत अच्छी आई है इसमें, बहुत ही प्यारा सेट है। ये देखिए ये इयररिंग्स हैं लटकन वाले, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, हल्के से लटकन वाले हैं, और ये उनके लिए है जो बहुत ही लाइट सा पसंद करते हैं एंड बहुत ही डिसेंट सा पीस पसंद करते हैं, एंड टीनेजर्स के लिए भी है, तो टीनेजर्स भी पहन सकते हैं इसको, और जो लेडीज़ लाइट सा पसंद करती हैं वो भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी लाइट ही प्रीफर करती हूँ, बाकी वीडियोस के चक्कर में इतने भारी भारी पहनने पड़ते हैं। और ये देखिए बहुत प्यारा है ये, इसका पेंडेंट सेट है, बहुत प्यारा सेट लग रहा है ये भी, तो ये इस तरह का है और आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे मोती का वर्क दिया गया है, तो बहुत प्यारा पीस लग रहा है डेफिनेटली, मतलब जो इसका प्राइस है उस प्राइस में डेफिनेटली मस्ट बाई प्रोडक्ट है, तो आप इसको आराम से बाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक और पेंडेंट सेट है, अगेन इसके साथ भी आपको इस तरह की एक चेन मिल जाएगी जो हाफ़ सिल्वर में है एंड हाफ गोल्डन में है, तो ये मल्टीपर्पज़ होती है, आपकी दोनों तरह की चेन चल जाती है, कि आपने अगर सिल्वर का कुछ डाला है तो भी चल जाता है, गोल्डन का कुछ डाला है तो भी चल जाता है। एंड देन ये है आपका सेट, वाओ ये बहुत ही प्यारे इयररिंग्स लग रहे हैं इसके, तो ये प्रॉपर आपका टक हो जाएगा और बहुत ही प्यारा पीस लगेगा। एंड देन ये छोटा सा एक लट्टू टाइप सी आपका वो मिल जाएगा पेंडेंट, बहुत ही छोटू सा है, तो इसको आप रोज में भी वेयर कर सकते हैं आराम से। एंड बेसिकली ये न्यूली वेड्स जो होते हैं, क्योंकि मैं भी जब शुरू में डालती थी तो मुझे ज़्यादा हेवी की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, तो उस तरह का कुछ हल्का सा आप डाल सकते हैं अपनी चेन में, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये, एंड लुक एट दिस, ये भी बहुत ही प्यारा सेट है, ये तो मैंने पहले देखा नहीं तो मैं अपनी ड्रेस के साथ ही वेयर कर लेती, बहुत ही अच्छे से जाता एंड बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे आपको इतना बड़ा पेंडेंट मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ये मोती की माला मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, 12 स्ट्रिंग का आपको यहाँ पे ये पैटर्न मिल जाएगा नेकलेस का, तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, परफेक्ट पीस है, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो इसको आप चाहे तो अपने सूट्स वगैरह के साथ वेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको साड़ीज़ के साथ भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज साड़ीज़ के साथ भी काफ़ी ट्रेंड में है इस तरह का पैटर्न, तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट लगेगा, और क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इसकी, काफ़ी अच्छा पीस है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ये, एंड ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा पीस है, ये अमेरिकन डायमंड टाइप्स है और बहुत ही परफेक्ट लगने वाला है, आप इसको आराम से वेडिंग्स वगैरह में पहन सकते हैं, चाहे तो आप टीनेजर हों चाहे आप लेडीज़ हों, तो ये दोनों के लिए ही बिल्कुल परफेक्ट जाता है, बिकॉज टीनेजर्स भी जो हैं वो लाइट सा ही पहनना पसंद करती हैं लहंगे वहंगे के साथ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा एंड बहुत ही सुंदर लगेगा, तो ये आपका मल्टीपर्पज़ है, चाहे तो आप अपने लिए ले सकते हैं या फिर डॉटर के लिए, दोनों के लिए ही काम आने वाला है, एंड परफेक्ट है, हल्का सा नीचे यहाँ पे लटकन है, और इसमें जो आपको मिल जाएगा मरून कलर का आपको जरकन मिल जाएगा, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, स्ट्रिंग की क्वालिटी ओके है। एंड इसके साथ के आपको मैं इयररिंग्स दिखा देती हूँ, तो इसके साथ आपको मिलेंगे कुछ इस तरह के इयररिंग्स,
तो इनको चाहे तो आप अकेले भी डाल सकते हो और चाहे तो आप इसको पूरे सेट के साथ भी डाल सकते हो, तो बिल्कुल परफेक्ट लगने वाले हैं एंड काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है इनकी। नीचे आपको हल्की हल्की सी छोटी सी लटकन मिल जाएगी जो आपको ओरिजिनल सेट वगैरह में देखने के लिए मिलेगी, तो बिल्कुल परफेक्ट उसी की तरह लग रहा है ये। फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन अब लेडीज़ की बात हो ही रही है तो चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये है मंगलसूत्र, कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। ये कुछ महाराष्ट्रीय स्टाइल में है, अगर मतलब मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो कुछ उसी टाइप का है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये उसी टाइप का है कि नहीं। तो मुझे बहुत प्यारा पीस लग रहा था, ये भी बहुत सुंदर है, गोल्डन पॉलिश में है। बाकी इसमें नॉर्मल एक चेन टाइप दिया हुआ है जो काले मोती के साथ आपको मिल जाती है मंगलसूत्र में। एंड इसके ईयरिंग्स बहुत ही सुंदर हैं, ये देखिए ये है इसके ईयरिंग्स। गोल पैटर्न में ही दिया गया है बिकॉज जो मंगलसूत्र में दिया गया है दो सर्कल का पैटर्न ही दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे एक सर्कल इस तरह का दिया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड गोल्ड फिनिश का लग रहा है। तो आप इसको आराम से पहन सकते हैं, रात को दिन में कभी भी कहीं भी जाना हो तो आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं। बट अगर मैं रोज के लिए कहूँगी तो रोज के लिए डेफिनेटली आप इसको अवॉइड ही करें क्योंकि रोज में ऑब्वियसली ये चीज़ें ख़राब होती हैं। देन नेक्स्ट हैं ये बैंगल्स, ये भी बहुत ही प्यारी हैं, पर्ल्स की बैंगल्स हैं एंड ये आपके हर एक कॉम्बिनेशन पे चलेगी, साड़ी हो सूट्स हो तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन पे चलेगी। पर्ल के मोती सारे में पूरे में भरे हुए हैं एंड साइज इसका प्रॉपर अच्छा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद, ट्रेडिशनल साड़ीज़ के साथ जैसे आप वेयर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा लुक देते हैं पहनने के बाद। तो ये इस तरह का आप बैंगल ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है पर्ल्स एंड गोल्डन का जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं एंड टकिंग इनकी प्रॉपर अच्छे से हो रही है, ऐसा नहीं कि खुल के गिरने वाले हैं, तो प्रॉपर अच्छे से टकिंग हो रही है इनकी। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। देन नेक्स्ट है ये है सुखी ज्वेलरी का, और सुखी आपने मेरे को देखा भी होगा, मैंने कई बार अमेजन से भी मंगाई है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है सुखी ज्वेलर्स की। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमें कैसा रिसीव हुआ है। इसमें बैंगल सेट के साथ है, कड़े भी मिल जाते हैं आपको एंड देन यहाँ पे आपको ये मिलेगा आपका ये नेकलेस विद ईयरिंग्स। ये देखिए बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ऊपर से आपको हल्का सा चेन वाला पैटर्न मिल जाता है, देन आपको यहाँ पे हल्के से सर्कल्स की शेप में आपको डिज़ाइनिंग मिल जाती है, देन आपको नीचे ओवल की शेप में आपको एक पेंडेंट का डिज़ाइन मिल जाता है, देन आपको नीचे लटकन वाला पैटर्न मिल जाता है मोतियों का, या आप शादी वगैरह में आराम से पहन सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मीनाकारी वर्क भी मिल जाएगा बहुत ही ज़रा ज़रा सा, तो ओवरऑल अच्छा पीस लग रहा है। अगर जैसे कि आपको थोड़ा सा हैवी टच और लटकन में पहनना है बिकॉज यहाँ तक के लगे हुए आते हैं ज़्यादातर तो बेसिकली, बट ये हल्का सा लटकता हुआ आएगा, तो अगर इस तरह का आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं एंड फिनिशिंग इसकी ओके टाइप्स है। देन इसके साथ की ईयरिंग्स दिखा देती हूँ मैं आपको, ये इसके झुमके टाइप्स में ईयरिंग्स दे रखे हैं, बट ये मेरे को ओके ओके टाइप्स लग रहा है, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, बट मुझे इसके ईयरिंग्स डेफिनेटली थोड़े से ओके ओके टाइप्स लगे हैं बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है नीचे एक गोल इतना बड़ा देने का, क्योंकि इस तरह का कुछ पैटर्न भी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे इसके ईयरिंग्स देख के अच्छा नहीं लगा, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी। अब मैं आपको इसके साथ के बैंगल्स दिखा देती हूँ कड़ा, ये प्रॉपर एक ही सेट मिला है, तो ये देखिए ये इस तरह से ओपन हो के ये कड़े मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग है, मोर का डिज़ाइन बन रहा है एंड यहाँ पे आप देखेंगे नग वगैरह लग रहे हैं, साथ में यहाँ पे पर्ल्स हैं छोटे छोटे, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर पीस लग रहा है। आप इसको अलग से भी वेयर कर सकते हैं कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं, शायद आई थिंक ये अकेले भी हों तो आप ऐप पर चेक कर लीजिएगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड लास्ट पीस अब मैं आपको दिखाती हूँ जो है झुमका। वाओ लुक एट दिस, बहुत ही प्यारे झुमके हैं ये,
बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब सीरियसली बहुत प्यारे हैं। लटकन वाला है इसमें बाटन, तो ये बहुत सुंदर लगता है। एंड थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच है बिकॉज इसमें पर्ल का काम हो रहा है, तो एक ट्रेडिशनल लुक देता है। आप आराम से इसको कांचीवरम सिल्क की साड़ी के साथ पहन सकते हैं, जो ऑफ वाइट साड़ी होती है ना, उसके साथ आप वेयर करो, बहुत सुंदर लुक लगेगा डेफिनेटली। और उसके साथ आप आराम से वेयर कर सकते हैं। इसमें स्टोन बीच में जो इसमें पर्ल दिया गया है, इसमें वाइट कलर का है और इसमें एक और रेड कलर का भी अवेलेबल है। तो अगर आपको वाइट नहीं चाहिए तो आप थोड़ा कंट्रास्टिंग में रेड भी ले सकते हैं। कन वाला पैटर्न है तो आराम से आप इसको अकेले भी वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पीस लगने वाला है। जो इसका प्राइस है उस हिसाब से बिल्कुल वर्थ है ये, एंड यू कैन गो फॉर इट। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बुलबुल ज्वेलरी प्लस विंटरवेयर कलेक्शन हॉल वीडियो, एंड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी आराम कर लिया है, अब मैं काम पे आ चुकी हूँ। तो तैयार रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज विंटर वियर में बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने अभी आपके साथ पहले वीडियोस शेयर करी थी अपने, तो आप लोगों को वो भी काफ़ी पसंद आए हैं, एंड मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। तो पसंद आ दी तो प्लीज़ एक लाइक पे हिट जरूर किया कीजिए क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा कलेक्शन अच्छा लगा, आगे आप किस चीज़ की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ये चीज़ भी बताइएगा। और बाकी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो वो तो मैं आपको दिखाऊँगी अच्छा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।